नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया था, लेकिन अब वो चेहरे कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में अहम माने जा रहे हैं। जी हाँ, और इनको पार्टियां कहीं ना कहीं लगातार साधने का प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की बदलती हुई रणनीति कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई। इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धक्का लगा, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को अब खड़ा करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया था उनकी जीत के बावजूद। जी हाँ, बात कर रहे हैं संगमित्रा मौर्य को लेकर। संगमित्रा मौर्य बदायूं सीट से दो बार की सांसद रह चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कहीं ना कहीं उनका टिकट काट दिया और इस बार जो प्रत्याशी उन्होंने बदायूं सीट से उतारा था वो प्रत्याशी भी हार का सामना करता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि संगमित्रा मौर्य अब अपना राजनीतिक अस्तित्व तो बचाने के लिए किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आ सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो वो पार्टी होगी कौन? अगर ऐसे देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य से कनेक्ट करके, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो काफी देखा जाए तो मायावती के साथ भी बेहतर है और चंद्रशेखर आजाद के साथ भी। अब ऐसे में अखिलेश यादव भी एक पार्टी है, लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ उनको संगमित्रा मौर्य को जाने देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो विकल्प में तीन ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिनको संगमित्रा मौर्य की जरूरत हो सकती है और वो उनको साधने का प्रयास कर सकती हैं। ये बात तब निकल कर आ रही है जब यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में अगर संगमित्रा मौर्य को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की जरूर कोशिश करेंगी। वो कौन सी पार्टी होगी? चंद्रशेखर आजाद अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने के लिए कुशीनगर सीट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। वहीं अगर मायावती की बात करें तो 25 सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को सर्व किया है। तो ऐसे में देखा जाए अखिलेश यादव भी ऐसे युवा चेहरों की तलाश में है जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लेकर आए और उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाए। ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब ये तीन पार्टियां कहीं ना कहीं संगमित्रा मौर्य को साधने का प्रयास कर सकती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी इनको इनकार नहीं कर पाएंगे। अब किस तरीके से पूरा समीकरण बनेगा यह देखना दिलचस्प होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में अपनी गलती सुधारते हुए नजर आएगी, संगमित्रा मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या फिर से उनको दरकिनार करके इस बार के भी विधानसभा चुनाव और इस बार के अगर देखा जाए तो उपचुनाव में भी संगमित्रा मौर्य, अपर्णा यादव ऐसे तमाम चेहरे हैं, अगर उनको साइडलाइन किया गया तो जाहिर तौर पर ये चेहरे पार्टी से छिटकते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी जो समीकरण बन रहे हैं, माना ही जा रहा है कि संगमित्रा मौर्य मायावती का रुख कर सकती हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुझान है वो मायावती की तरफ ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी हैं, युवा चेहरे हैं, 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उन्होंने 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में संगमित्रा मौर्य अब किस पार्टी का रुख करेंगी, ये बेहद दिलचस्प सवाल है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इन तीन पार्टियों में संगमित्रा मौर्य के लिए अगर देखा जाए तो कौन सी बेस्ट पार्टी होगी और कौन सी नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।